एट क्लास, गुड मॉर्निंग। क्या हाल आप लोगों के? हम लोग चैप्टर सेकंड आपका पढ़ रहे हैं, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये सत्ता कैसे स्थापित होती है, इस बात को आप लोग भलीभांति समझ चुके होंगे कि अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत आते हैं और वह अपना व्यापार करते करते शासन में अपना पाँव रख देते हैं और वहाँ पर कूटनीति से, धोखे से वह बंगाल का शासन हड़प लेते हैं और बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं और फिर नवाब की तरह वहाँ शासन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन जो है वो भारत में अपनी जड़ें जो है फैलाना शुरू करता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि प्रस्ताव के माध्यम से इसी कंपनी ने सहायक संधि प्रस्ताव के माध्यम से कई प्रांतों का अंग्रेजी शासन में विलय कर दिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी थी, उन्होंने सहायक संधि के माध्यम से या सहायक संधि के प्रस्ताव को जो है वो राजाओं के सामने, रियासत के जो राजा थे उनके सामने रखा कि आपको अगर किसी और राजा और किसी प्रांत के राजा से अगर किसी प्रकार का नुकसान है तो आपकी सेवा, आपकी रक्षा करेगी अंग्रेजी सेना। कौन करेगी? अंग्रेजी सेना आपकी रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से वह उन्हें कहते थे कि आप उनसे सहायक संधि कर लें और आपके शासन को हमारे शासन के अंतर्गत कर लें, फिर सिर्फ हमारी कंपनी का खर्चा उठाना पड़ेगा आपको और यहाँ जो भी राजस्व होगा उसमें हमारा हिस्सा होगा। इस प्रकार की शर्तें रखकर अंग्रेज जो है वो सहायक संधि कर लेते थे और उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम अवध प्रांत से सहायक संधि की अवध प्रांत से सहायक संधि की, उसके बाद हैदराबाद से की। तो कई ऐसे प्रांत थे जिन पर अंग्रेजों की नजर थी और उन्होंने उनको मिला लिया और धीरे धीरे जो है उन पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य भी थे जो अंग्रेजों के इस बहकावे में नहीं आ रहे थे, सहायक संधि को नहीं मान रहे थे, किसी प्रकार से नहीं मान रहे थे, किसी भी शर्त पर उनको ये मंजूर नहीं था। उनको ये था कि हमें अपना शासन स्वयं चलाना है। इसी में एक रियासत थी, कर्नाटक राज्य में स्थित है वो रियासत, उसको कहते हैं मैसूर रियासत। क्या कहते हैं? मैसूर रियासत। यह कर्नाटक में है, जाने देता हूँ मैं आपको कर्नाटक। इस रियासत के जो राजा थे उनको कहते हैं मंजूर नहीं था कि अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत उनको शासन करना पड़े या उनको अपना राजा अपने अपना जो है अपनी सुरक्षा उनके द्वारा करनी पड़े, यह कहते ही मंजूर नहीं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मैसूर के शासक से टीपू सुल्तान की। लेकिन टीपू सुल्तान से बात करने से पहले मैं उनके ही पिता की बात करूँगा जिनका नाम था हैदर अली। तो हम दोनों के कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। मैसूर रियासत में हैदर अली का शासनकाल
इनका शासनकाल का हैदर अली, अंग्रेजों की अधीनता सरकार नहीं की गई उनके काल में, और उन्होंने जो है वो स्वयं अपने स्तर पर ही आत्मनिर्भर रहकर जो है वो शासन चलाया और अंग्रेजों की हार नहीं मानी। अंग्रेज और हैदर अली के बीच कई सारे युद्ध भी हुए जिनमें अंग्रेजों को शुरुआती युद्धों में अंग्रेजों को पराजित भी होना पड़ा। तो हैदर अली जो है बहुत ही वीर शासक हुए। इसके बाद इनके पुत्र हुए थे टीपू सुल्तान। कौन हुए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का शासनकाल, इनके शासनकाल के बारे में लोग बात कर लें। 1782 से 1799 ईस्वी इनका शासनकाल था। टीपू सुल्तान को शेर ए नशुर भी कहते थे। उनको शेर ए नशुर यानी नशुर के शेर कहे जाते थे। शेर ए नशुर कहे क्लास। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के नेतृत्व में जो है वो मैसूर रियासत बहुत ताकतवर हो चुकी थी, शक्तिशाली हो चुकी थी, वो अंग्रेजों का सामना कर सकती थी। टीपू सुल्तान ने शेर मैसूर की तरह ही अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों को जो है वह कई युद्धों में पराजित भी किया। अंग्रेजी शासन का उस समय अंग्रेजों का व्यापारिक आधिपत्य करने का
अंग्रेजों को व्यापार करने का मना कर दिया। ठीक है, टिपू सुल्तान ने अंग्रेजों को व्यापार करने का मना कर दिया। इस इनके साथ किसी भी प्रकार का आयात निर्यात नहीं किया। ठीक है, इनके साथ किसी प्रकार का आयात निर्यात नहीं किया, किसी प्रकार का व्यवहार ऐसा जो है वो नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वो बहुत ही कटुतापूर्ण हो गए, बहुत ही क्रूरतापूर्ण हो गए, जिसका आगे जो मान जा रहा था वो जा रहा था कि अब युद्ध होगा। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर व्यापार किया एवं अंग्रेजों का विरोध किया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर व्यापार किया एवं अंग्रेजों का विरोध किया, क्योंकि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो है किसी प्रकार से बनती नहीं थी, ये दोनों भी एक दूसरे दुश्मन थे। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों से विरोध किया, फ्रांसीसियों के साथ व्यापार किया, अंग्रेजों से किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया, इस वजह से अंग्रेजों को नुकसान उठाना पड़ा। तो इस प्रकार की नीति जो है वो टीपू सुल्तान जो है वो अपने शासनकाल में चलते थे, और इन्हीं नीतियों के कारण जो है वो इतिहास में जो है वो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में उनका नाम लिया जाता है, मैसूर रियासत का नाम लिया जाता है। उन्होंने अंग्रेजों से जो है वो बहुत ही बहादुर लोहा लिया। ठीक है, इस प्रकार जो है अंग्रेजों का व्यापारिक अधिपति करते जो स्थान था मालवाड़ तक, यह स्थान मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था, तो इसको जो है मना कर दिया। साथ ही अंग्रेजों के साथ व्यापार करने से मना कर दिया, आयात निर्यात के साथ करने से मना कर दिया, फ्रांसीसियों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। ये साफ दिख रहा था कि मैसूर रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं होना चाहिए। तो आज जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है आपको, तो ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करें। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं से आगे जाके आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो अभी आप ये नोट कर लीजिए।